नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के इस फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पुखराज गिरी और अपने इस एफटीआर सेशन में मैं डील कर रहा हूं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट में। और एफटीआर के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जनगणना, खेल, शिक्षा और परिवहन एवं संचार से कुछ प्रश्नों को। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। ऑप्शन ए में दिया है 21, ऑप्शन बी में दिया है 18, ऑप्शन सी में दिया है 17 और ऑप्शन डी में दिया है 20। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले है NH30। अब देखिए, NH30 के कुछ ब्रांच भी हैं। क्या क्या है? तो 130, इसके बाद है 130A, फिर है 130B, फिर है 130C, फिर है 130D, उसके बाद है 130CD और उसके बाद है 930। तो ये हो गया NH30। अब 30 के बाद NH43। अब 43 में तो एक ब्रांच है 343 और इसका एक ब्रांच है 143B। इसके बाद आइए NH45, फिर है NH49, इसका एक ब्रांच NH149B, इसके बाद है NH53 और इसके ब्रांचेस कौन कौन से? तो 153 और 353 और उसके बाद है NH63 और इसके ब्रांचेस हैं 163 और 163A। अब गिनिए कितने हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कुल कितने नेशनल हाईवेज हो गए? तो आज की स्थिति में है 20, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से विशेष रूप से ध्यान रखिएगा NH143B, NH130CD और NH45 के संदर्भ में। ये तीन नवीन नेशनल हाईवे हैं। 143B जो है निकलता है जशपुर नगर से, जोड़ता है छत्तीसगढ़ को झारखंड राज्य से। 130CD ये निकलता है कुरुद से और जोड़ता है छत्तीसगढ़ को उड़ीसा राज्य से, और NH45 निकलता बिलासपुर से है और जोड़ता है छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश राज्य से। तो आप बुक्स में अगर 17 पढ़ रहे हो तो टेंशन नहीं लेना, ये तीन नवीन है, इन तीनों को जोड़ दो, हो जाता है 20। तो हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो हो गए 20। 20 कहां पर दिया है? तो देखिए, ऑप्शन डी में दिया है 20 और इसीलिए ऑप्शन डी जो है यह हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर है। तो यह था हमारा पहला प्रश्न। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। तो देखिए, इसमें दिया है छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ऑप्शंस में है फरवरी 2015 में, फिर है फरवरी 2016 में, उसके बाद ध्यान रखना मार्च 2015 में दिया है और दिया है मार्च 2016 में। तो समझिए, छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे के विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई फरवरी 2016 में। क्लियर? अब ध्यान रखना, यह असल में एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें 51% हिस्सा जो है यह किसका है? तो है राज्य सरकार का, और 49% हिस्सा जो है वह है केंद्रीय रेल मंत्रालय का। क्लियर? तो फरवरी 2016 में छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। क्या है? तो संयुक्त उपक्रम है, 51% हिस्सा
राज्य सरकार का है, 49% हिस्सा है केंद्रीय रेल मंत्रालय का इस छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो मैंने क्या बताया, फरवरी 2016 में हुई है स्थापना, और फरवरी 2016 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है हमारे इस दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। तो यह था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब देखिए, तीसरे प्रश्न में दिया है छत्तीसगढ़ में क्रमशः 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या थी। तो समझिए, पहले 2001 जनगणना के अनुसार बताना है, फिर बताना है 2011 जनगणना के अनुसार। तो 2001 की जनगणना के अनुसार थी 64.66%, कितनी 64.66%, और 2011 की जनगणना के अनुसार थी कितनी, तो 70.28%। तो हमने क्या समझा, छत्तीसगढ़ में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर थी 64.66% और 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी, तो 70.28%। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है 2001 और 2011 का बताना है, लेकिन क्रमशः, मतलब 2001 का पहले बताना है और उसके बाद ही 2011 का बताना है। चलिए अब ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहले ऑप्शन डी, 60.28% और 74.66%, क्या यह डेटा सही है, तो गलत है। ऑप्शन सी में दिया है 74.66% और 60.28%, यह डेटा जो है यह भी गलत है। फिर है ऑप्शन बी, 70.28% और 64.66%। देखिए, अपने आप में डेटा तो सही है, लेकिन क्रम गलत दिया है। पहले 2011 का दे दिया है और उसके बाद 2001 जनगणना का दे दिया है, तो यह क्रम गलत होने के कारण ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अंततः बचा ऑप्शन ए, 64.66% और 70.28%। अब जरा आंसर को देखिए, हमने जो निकाला है यह भी तो वैसा ही है, पहले 64.66% और बाद में 70.28%, और इसीलिए यह जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यह सही उत्तर होगा हमारे तीसरे प्रश्न का। तो यह था हमारा तीसरा प्रश्न। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे प्रश्न पे। देखिए, चौथे प्रश्न में दिया है महात्मा गांधी बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित है। तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय जो है यह दुर्ग जिले के सांकरा में प्रस्तावित है। कहां पर, दुर्ग जिले के सांकरा में प्रस्तावित है। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, रायगढ़, ऑप्शन बी में क्या है, रायपुर, ऑप्शन सी में क्या है, दुर्ग, और ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया, कहां पर प्रस्तावित है, तो दुर्ग जिले में प्रस्तावित है। दुर्ग जिला कहां दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, और इसीलिए ऑप्शन सी जो है यह हमारे चौथे प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। तो यह हुआ हमारा चौथा प्रश्न। चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रतिशत के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को व्यवस्थित करें। तो देखिए, सबसे पहले कुछ चीजों को ध्यान दीजिए, किस जनसंख्या को देखना है, तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को। किस आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर। किस क्रम में जमाना है, तो ध्यान रखें बढ़ते क्रम पे। आधार क्या है, तो जनगणना 2011 के आंकड़े। ठीक, अब देख लेते हैं जो जिले दिए गए हैं। तो पहला है रायपुर जिला, फिर है बेमेतरा जिला, और उसके बाद है दुर्ग जिला। अब मैप पर आ जाएं, तो कौन कौन से जिले, तो पहला दिया है यह रायपुर जिला, उसके बाद दो जिले ऊपर नीचे हैं, एक है क्या, तो है बेमेतरा जिला, और उसके बाद है हमारा ये दुर्ग जिला। अब अगर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात करूं प्रतिशत के आधार पर, तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में कितना था, तो ध्यान रखेंगे 4.3%।
उसके बाद अगर मैं बात कर लूं इस बेमेतरा जिले की तो इसमें था 4.67% और दुर्ग जिले में था 5.88%। क्लियर। तो रायपुर में 4.3, बेमेतरा जिले में 4.67, दुर्ग जिले में 5.88%। प्रश्न पर वापस आते हैं। क्या देखा? रायपुर में 4.3%, बेमेतरा में 4.67% और दुर्ग में 5.88%। अब देखिए हमें किस क्रम में जमाना है। तो जो जिले दिए हुए हैं उन्हें बढ़ते क्रम में, मतलब कम से ज्यादा की ओर। तो सबसे कम कहाँ है? तो देखिए रायपुर में। अब रायपुर दिया है पहले में, तो मैं लिख लेता हूं सामने 1। रायपुर के बाद सेकंड देखिए, तो 4.67 है, तो किस जिले का है? तो बेमेतरा जिले का है। बेमेतरा जिला किस में दिया है? तो दिया है 2 में। और सबसे बड़ा जो वैल्यू है 5.88 किस जिले का है? तो दुर्ग जिले का। दुर्ग जिला दिया है किस में? तो 3 में। तो हुआ क्या, बढ़ते क्रम के अनुसार सबसे पहले रायपुर है तो रायपुर का 1 लिख लिया, फिर बेमेतरा है तो बेमेतरा का 2 लिख लिया, फिर दुर्ग है तो दुर्ग का 3 लिख लिया। तो सही क्रम क्या हुआ बढ़ते क्रम के अनुसार? तो 1, 2, 3। अब ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन सी में दिया है 1, 2, 3, और इसीलिए यह जो ऑप्शन सी है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय, राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या का सही क्रम क्या है? तो अगर मैं बात करूं केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो छत्तीसगढ़ में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो सिर्फ 1। अगर बात करूं राजकीय विश्वविद्यालय की, तो छत्तीसगढ़ में कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं? तो ध्यान रखना 8 है। और निजी विश्वविद्यालयों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 13 निजी विश्वविद्यालय है। चलिए तो क्या करते हैं, ये जो विश्वविद्यालय है इनको एक बार देख लेते हैं हम अपने मैप पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो यह है हमारा बिलासपुर जिला, और इस बिलासपुर जिले में एक विश्वविद्यालय है, तो नाम है क्या? नाम है गुरु घासी दास विश्वविद्यालय। क्लियर। तो यह जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है यही है छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके बाद देखिए मैंने क्या बताया था, कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं, तो राजकीय है कितने? 8। क्लियर। तो देखते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर, तो छत्तीसगढ़ में इस बस्तर संभाग में है बस्तर विश्वविद्यालय, और क्या नाम है इसका? तो नाम है महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। क्लियर। बस्तर संभाग के बाद आ जाते हैं अपने इस रायपुर संभाग में। अब रायपुर संभाग में एक जिला है जिसका नाम है रायपुर। अब इस रायपुर जिले में सबसे पहले है पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। इसके अलावा इसी रायपुर जिले के काठाडी में है कुशा भाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। क्लियर। तो हमने देख लिया एक महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय, उसके बाद देख लिया पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। इसके बाद आ जाइए दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग में, दुर्ग में ही है हेम चंद यादव दुर्ग विश्वविद्यालय। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं अपने बिलासपुर संभाग में। अब बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर में ही है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। इसके अलावा इसी बिलासपुर में है अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, इसके बाद है
इस सरगुजा संभाग में, सरगुजा जिले के अंबिकापुर में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय और अंततः दुर्ग संभाग के राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। तो हमने क्या देखा, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कहां पर, तो बिलासपुर में। उसके बाद हमने क्या देखा, तो हमने देखा 8 राजकीय विश्वविद्यालयों को। तो बस्तर में हमने देखा महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, रायपुर में 2 देखे, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। दुर्ग में देखा है हमने हेमचंद यादव दुर्ग विश्वविद्यालय, राजनांदगांव में देखा हमने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहां, तो खैरागढ़ में। फिर बिलासपुर में 2 देखे, 1 देखा पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर विश्वविद्यालय। इसके बाद अंततः हमने क्या देखा है, तो सरगुजा में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। अब देखिए, देखते हैं निजी विश्वविद्यालयों को कुल कितने हैं, तो 13। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे इस रायपुर संभाग से। अब रायपुर संभाग के इस गरियाबंद जिले में है ISBM विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय, ISBM। इसके बाद ध्यान रखना है हमारे इस रायपुर जिले में, कौन से जिले में, रायपुर जिले में है कितने निजी विश्वविद्यालय, तो 6 निजी विश्वविद्यालय। पहला है श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, इसके बाद है ITM यूनिवर्सिटी, फिर है MET यूनिवर्सिटी, उसके बाद है कलिंगा विश्वविद्यालय, इसके बाद है AAFT विश्वविद्यालय और है मैट्स विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखना 13 में से 7 तो सिर्फ रायपुर संभाग में है, जिसमें रायपुर जिले में है श्री रावतपुरा सरकार, फिर है ITM, फिर है MET, फिर है कलिंगा, फिर है AAFT और है मैट्स। गरियाबंद जिले में हमने क्या देखा, तो हमने देखा ISBM। इसके बाद आ जाते हैं अपने दुर्ग संभाग में। अब दुर्ग संभाग के इस दुर्ग जिले में है KK मोदी विश्वविद्यालय, उसके बाद है ICFAI विश्वविद्यालय और उसके बाद है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। इसके बाद आ जाते हैं हमारे इस बिलासपुर संभाग पे। तो देखिए, हमने देखा रायपुर संभाग से 7, दुर्ग संभाग से 3, तो कुल हो गए हैं 10। तो बचे हुए जो 3 हैं वह कहाँ हैं, तो इस बिलासपुर संभाग में, जिसमें रायगढ़ जिले में है OP जिंदल विश्वविद्यालय और इस बिलासपुर जिले में है CV रमन और महर्षि प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय। तो हमने देख लिए 13 विश्वविद्यालयों को, जो कि है क्या, प्राइवेट या निजी। तो 7 देखा रायपुर संभाग में, कौन कौन से, तो पहले रावतपुरा सरकार, फिर है ITM, फिर है MET, फिर है कलिंगा, फिर AAFT, उसके बाद मैट्स, ये सभी 6 रायपुर जिले में। और 1/7 जो रायपुर संभाग का वह देखा ISBM, कहां देखा, तो गरियाबंद जिले में। उसके बाद रायगढ़ में हमने देखा है OP जिंदल, उसके बाद दुर्ग में देखा KK मोदी, ICFAI और देव संस्कृति, फाइनली बिलासपुर जिले में देखा है CV रमन और महर्षि विश्वविद्यालय। बहरहाल प्रश्न पर वापस आते हैं, तो देखिए क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है सही क्रम किसका, तो संख्या का। तो संख्या क्या थी, 1 केंद्रीय, 8 राजकीय और 13 निजी। तो सही क्रम क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए 1, 8 और 13। अब ऑप्शंस को देखिए, तो ऑप्शन सी में दिया है 1, 8, 13, इसीलिए ऑप्शन सी जो है हमारे 5वें प्रश्न का सही उत्तर है। क्लियर, तो यह हो गया हमारा 5वां प्रश्न। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने 6ठे प्रश्न पे। तो देखिए 6ठे प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह बताना है। क्या बताना है, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में दिया है
बलरामपुर जिले में प्रतिशत की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में न्यूनतम शहरी जनसंख्या है। तो मैं आपको बता दूं, बलरामपुर जिले में प्रतिशत शहरी जनसंख्या कितनी है, तो है 4.75%। कितनी है? 4.75%। और इसी के साथ बलरामपुर में है सबसे न्यूनतम प्रतिशत शहरी जनसंख्या, और इसीलिए यह ऑप्शन हो गया सही। अगला ऑप्शन है, रायपुर जिले में प्रतिशत की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में अधिकतम शहरी जनसंख्या है। तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में अधिकतम शहरी जनसंख्या जो है असल में है दुर्ग जिले में। कौन से जिले में? दुर्ग जिले में। और प्रतिशत कितना है? तो 64.15%। कितना प्रतिशत? 64.15। अब देखिए, है तो दुर्ग में लेकिन दिया रायपुर है, इसलिए यह ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन सी पे आइए, नारायणपुर जिले में संख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में न्यूनतम शहरी जनसंख्या है। तो देखिए, नारायणपुर जिले में संख्या के आधार पर शहरी जनसंख्या कितनी है? तो है लगभग 22,000। और इसी के साथ ध्यान रखना, यह न्यूनतम है किस दृष्टिकोण से? तो संख्या के दृष्टिकोण से, छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011 के अनुसार, और इसीलिए यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही। डी स्टेटमेंट में दिया है, रायपुर जिले में संख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में अधिकतम शहरी जनसंख्या है। तो देखिए, रायपुर जिले की शहरी जनसंख्या की बात करूं तो है लगभग 12 लाख। कितना है? तो लगभग 12 लाख। और इसी 12 लाख के साथ मैं आपको बता दूं, रायपुर जिले में संख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सच में अधिकतम शहरी जनसंख्या जो है वह निवासरत है, और इसीलिए ऑप्शन डी जो है यह भी होने वाला है सही। अब प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न पे पूछा था कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, हमने क्या देखा, जो ऑप्शन बी है यह है गलत, और इसीलिए ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर होने वाला है इस छठे प्रश्न का। क्लियर? तो यह हो गया हमारा छठा प्रश्न। अब आ जाइए हमारे सातवें प्रश्न पे। तो सातवें प्रश्न पे हमें सुमेलित करना है, क्लियर, जहां एक और विश्वविद्यालय है और दूसरे और उनके नाम है। तो सबसे पहले है बस्तर विश्वविद्यालय। तो देखिए, बस्तर विश्वविद्यालय जो है इसका नामकरण किया गया है महेंद्र कर्मा जी पर। उसके बाद है सरगुजा विश्वविद्यालय। सरगुजा विश्वविद्यालय का नामकरण है किनके ऊपर? तो संत गहिरा गुरु के ऊपर। उसके बाद है बिलासपुर विश्वविद्यालय, जिसका नामकरण है अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। और अंततः बता दूं, दुर्ग विश्वविद्यालय, जिसका नामकरण है हेमचंद यादव जी के ऊपर। क्लियर? अब अगर पेयरिंग कर दें तो क्या पेयर बन गए? ए टू, उसके बाद है बी थ्री, उसके बाद है सी फोर, और अंततः है डी वन। तो क्या हो गई पेयरिंग? ए टू, बी थ्री, सी फोर और डी वन। अब ऑप्शंस पे आ जाइए। तो देखिए, ऑप्शन ए में ही दिया है ए टू, बी थ्री, सी फोर और डी वन, और इसीलिए यह जो ऑप्शन ए है, यही ऑप्शन ए है हमारे सातवें प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर? तो यह हो गया हमारा सातवां प्रश्न। आ जाते हैं हमारे आठवें प्रश्न पे। अब देखिए, आठवें प्रश्न पे क्या दिया है, जनगणना 2011 के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले छत्तीसगढ़ के जिले निम्न में से हैं। उसके बाद दिए हैं ऑप्शंस। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं किसके माध्यम से, तो मैप के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ऐसे 13 जिले हैं जिनमें लिंगानुपात जो है वह 1000 से अधिक है। अब कौन कौन से जिले हैं सबसे पहले समझिए। तो देखिए, सबसे पहले है कौन सा जिला, तो कोंडागांव जिला। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? तो 1033। क्लियर? कोंडागांव के बाद है कौन सा जिला, तो दंतेवाड़ा जिला। लिंगानुपात दंतेवाड़ा में कितना है? तो है 1023। क्लियर? इसके बाद है जिला, नाम है क्या, तो नाम है बालोद। लिंगानुपात कितना है? तो 1022। उसके बाद है एक जिला, नाम है गरियाबंद। लिंगानुपात कितना है? 1020। फिर है जिला
महासमुंद। लिंगानुपात कितना है? तो 1017। इसके बाद जिला है बस्तर, लिंगानुपात है 1017। फिर है सुकमा, लिंगानुपात कितना है? तो इसका भी 1017। इसके बाद है राजनाथ गांव जिला, ठीक है, और लिंगानुपात है 10-15। इसके बाद है हमारा धमतरी जिला, लिंगानुपात है 10-10। इसके बाद है हमारा कांकेर जिला, लिंगानुपात कितना है कांकेर का? तो है 1006। इसके बाद है जिला जशपुर, 1005। फिर है बलौदा बाजार जिला, लिंगानुपात कितना है? तो 1004। और अंततः है हमारा बेमेतरा जिला, लिंगानुपात है 1001। तो देखिए कुल कितने जिले हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो ये वे 13 जिले हैं जिनमें लिंगानुपात कितना है तो 1000 से अधिक है। सर्वाधिक किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा कोंडागांव जिले में है 10-33। अब आइए प्रश्न पर वापस। कोंडागांव जो है कितना है? 10-33। दंतेवाड़ा 10-23। बालोद देखा कितना? 10-22। गरियाबंद देखा है हमने 10-20 और महासमुंद देखा था 10-17। क्लियर। तो यह है लिंगानुपात इन जिलों में। अब हमें क्या बताना था? हमें बताना था निम्न में से ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो हमने क्या देखा, असल में यह जो सभी जिले हैं इनमें लिंगानुपात 1000 से अधिक है। अब ऑप्शंस में देखिए तो ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इस आठवें प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो होने वाला है उपरोक्त सभी। क्लियर। तो यह हो गया हमारा आठवां प्रश्न। तो देखिए नौवे क्वेश्चन में क्या दिया है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के जिलों का उच्च से निम्न का सही क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, तीन जिले दिए हैं, एक है कबीरधाम, फिर है बलौदा बाजार और उसके बाद है बेमेतरा। अब अगर मैं बात करूं जनगणना 2011 की, तो इस जनगणना के अनुसार हमारे बलौदा बाजार जिले में जनसंख्या वृद्धि दर थी कितनी? तो 49.87%। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बेमेतरा जिला में कितना, तो 42.65%। और कबीरधाम जिले में कितना, तो 40.71%। तो देखिए बलौदा बाजार जिले में क्या देखा, 49.87%, बेमेतरा में देखा है 42.65 और कबीरधाम में देखा है 40.71%। अब देखिए हमें क्रम बताना है कैसा, तो उच्च से निम्न। अब उच्च से निम्न तो सबसे बड़ा क्या है, 49.87 किसका है, बलौदा बाजार दिया है किसमें, तो 2 में, तो सबसे पहले लिख देता हूं 2। सेकंड में देखिए है 42.65% किसका है, तो बेमेतरा का, बेमेतरा दिया है 3 में, तो लिख देता हूं 3। अंततः है 40.71 किसका है, कबीरधाम का, कबीरधाम किसमें दिया है 1 में, तो लिख देता हूं यहां पर। तो सही क्रम क्या हो गया, तो उच्च से निम्न में सही क्रम हुआ 2-3-1। अब ऑप्शंस पे आइए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है 2-3-1 जो कि बिल्कुल सेम है और इसीलिए ऑप्शन बी जो है यह होने वाला है हमारे नौवे प्रश्न का सही उत्तर। तो यह हो गया हमारा नौवा प्रश्न। अंततः है हमारा दसवां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कार्य सहभागिता दर क्या है। तो देखिए 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कार्य सहभागिता दर है 47.7%। यह सर्वाधिक या मैक्सिमम है किस जिले में, तो ध्यान रखना जशपुर जिले में 57.22% के साथ, और न्यूनतम या मिनिमम है किस जिले में, तो
दुर्ग जिले में। प्रतिशत कितना है? तो है 39.06%। तो हमने क्या देखा, 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कार्य सहभागिता दर है 47.7%। मैक्सिमम जशपुर जिले में 57.22% के साथ, मिनिमम है दुर्ग जिले में 39.06% के साथ। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। तो ऑप्शन ए में है 44.5%, बी में है 45.6%, सी में है 46.7% और डी में है 47.7%। तो मैंने क्या बताया, कितना है, तो 47.7% चूंकि दिया है ऑप्शन डी में, इसीलिए ऑप्शन डी जो है यह है हमारे 10वें प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर? तो यह थे इस वीडियो के 10 प्रश्न। इसी के साथ छत्तीसगढ़ का एफटीआर सीरीज जो है यह भी होता है समाप्त। तो मैं आशा करता हूं कि छत्तीसगढ़ के इस एफटीआर में मैंने जो प्रश्न चुने थे ये सभी आप सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए होंगे, और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप सभी की बहुत जबरदस्त तैयारी हुई हो और आप सभी जो हैं इस प्री परीक्षा को पास कर जाएं और आपसे मेरी मुलाकात हो हमारे मेंस के प्रोग्राम पे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।